Subscribe to my channel Bikus Blog and press the bell icon to get notified whenever uploaded any video. Welcome back to the channel, everyone. This is Bikram Chatterjee and you are watching Bikus Blog. So guys, finally I'm back with another video and आज के टॉपिक पे जो बाइक है वो बहुत ही अनोखा. एक्चुअली बाइक जो है वो बहुत ही नॉर्मल है, बट जिसने बनाया है ये बाइक वो बहुत ही अनोखा बनाया है. मतलब जो मॉडिफिकेशन किया है बाइक के ऊपर वो बहुत ही अनोखा है, क्योंकि यूजुअली ऐसा कोई मॉडिफिकेशन, मतलब इतना मॉडिफाइड बाइक दिखने को नहीं मिलता है. एंड अभी तो जस्ट अंधेरा हो गया और मैं अभी हूँ आसनसोल इंजीनियरिंग कॉलेज के पास, पीछे है कॉलेज. सो बाइक है मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त का, दोस्त बोल सकते हैं, भैया बोल सकते हैं, उसका नाम है सम्राट. सो बाइक का जो कॉस्ट है, मतलब मॉडिफिकेशन का, वो मुझे ठीक से पता नहीं है, इसलिए मैं नहीं बोलूँगा कि कितना कॉस्ट आया है मॉडिफिकेशन के ऊपर, बट बहुत ज़्यादा मॉडिफाई किया हुआ है बाइक. सो फट से एक बार सिनेमैटिक शॉट देख लीजिए एंड उसके बाद बाकी का वीडियो कंटिन्यू. I've been keeping myself so busy, pushing out the misery, trying to find the peace in me. सो गाइज, आई होप सिनेमेटिक शॉर्ट्स जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा. अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा. सो चलिए बात करते हैं कि क्या क्या मॉडिफाई किया है भाई ने अभी तक बाइक पे. सो ऐसे नहीं बात करते, पीछे से बात करते. सो हियर इज़ द बाइक गाइज. सो फ्रंट से मैं स्टार्ट करता हूँ. फ्रंट पे पहले यहाँ पर एक, दो, तीन और चार फॉग लैम्प्स इंस्टॉल किया हुआ है. एंड उसके बाद आया है हैंड गार्ड्स जो कि बहुत ही कूल लग रहे हैं. एंड इस पे इंडिकेटर्स भी हैं, जैसे कि मेरे पे है वैसा ही. आई थिंक ये वाला इधर का टूट गया है, बट ठीक है, चलता है. एंड उसके बाद आता है विंडशील्ड एंड लाइट्स में मैं बाद में आता हूँ. और यहाँ पर पूरे स्विच है पूरा जगह. जो कलर है आई थिंक ग्रे कलर में था बाइक पहले, बट अभी आप लोग देख सकते हैं पूरा ब्लैक. सो बाइक ब्लैक कलर पे था, बट अभी पूरा मॉडिफाई करके, कलरिंग करके ये वाला पूरा वाइट कर दिया है. एंड उसके साथ भाई साहब जो व्हील है, व्हील भी कलरिंग किया हुआ है. सो ये मतलब आसनसोल में अभी तक शायद एक ही ऐसा जिक्सर है जिसपे ऐसा मॉडिफिकेशन किया हुआ है. सो फ्रंट से आते हैं. फ्रंट में मडगार्ड में कोई कलरिंग नहीं है, जस्ट स्टिकर से डिज़ाइन बना हुआ है. उसके बाद ये जो फ्रंट में आता है हेडलाइट के कवर, वो दोनों साइड ही वाइट किया हुआ है और यहाँ से स्टिकरिंग किया हुआ है मैट ब्लैक से. एंड अगेन द नंबर प्लेट गार्ड. एंड उसके बाद आते हैं टैंक पे. तो टैंक यहाँ से ब्लैक है, मैट ब्लैक आई थिंक, यस इट्स अ मैट ब्लैक. एंड साइड से आप लोग देख सकते हैं पूरा वाइट किया हुआ है. एंड ग्रीन और मैट ब्लैक से पूरा जिक्सर का लिखा हुआ है लोगो. और यहाँ पर सुजुकी लोगो है. और ये ओरिजिनल ब्लैक जो पेंट था बाइक का, ये ओरिजिनल पेंट है. यहाँ पर कोई मॉडिफिकेशन नहीं है, यहाँ से हुआ है. पीछे ये जो पोर्शन होता है फाइबर का, ये भी होता है आपका ब्लैक था, बट इसके ऊपर भी पेंट किया हुआ है. ये हो गया वाइट. बात करते हैं सो टेल टाइडी भी मॉडिफाई किया हुआ है, ये अलग टेल टाइडी है. और ऑल्सो द नंबर प्लेट मॉडिफाई किया हुआ है अलग से. एंड इंडिकेटर्स LED इंडिकेटर्स हैं इस पर. एंड पीछे आई थिंक ये पल्सर का है, NS या RS ऐसा कुछ है, उसका पीछे का मड गार्ड है. एंड लास्ट में आता है जो कि बहुत ही अनोखा चीज़ बोल सकते हो, वो है SC प्रोजेक्ट. आई थिंक ये सेकेंड कॉपी या थर्ड कॉपी होगा SC प्रोजेक्ट का, बट लाउड बहुत ज़्यादा है. एग्जॉस्ट का नोट आई थिंक आप लोगों को अच्छा लगा होगा. कैसा लगा है वो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं कि कमेंट करके मतलब कैसा लगा एग्जॉस्ट, सॉरी एग्जॉस्ट का आवाज़. एग्जॉस्ट तो अच्छा लगा होगा.
सो एक बार बुला लेते हैं इस बाइक के ओनर को एंड पूछते हैं कि क्या क्या सॉरी मतलब कितना कॉस्ट आया है बाइक को इतना मॉडिफाई करने में। सो सम्राट, सो इसका ये बाइक है, इसका नाम है राइडर सम्राट, आप फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। सो बताइए कि बाइक पे कितना मतलब कितना अभी तक कितना खर्चा हो गया है ऐसा मॉडिफाई करने में? ये क्या हो रहा है भाई? 20,000 मतलब सब हेडलाइट मतलब फॉग लैंप्स एग्जॉस्ट सब ऑल टोटल पेंट में कितना खर्चा आया? एक्चुअली मेरे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि पेंट में कितना खर्चा आया, तो पेंट में कितना खर्चा आया होगा? पेंट में आया है ग्राफिक्स एकदम कंप्लीट लेके वही 3,000। तो 3,000 में बाइक आप देख सकते हैं, पूरा बाइक का कलर जो है और स्टिकरिंग है 3,000 में कंप्लीट है। एंड मैं भी चौंक गया लेकिन क्योंकि मैं जब पेंट करवाने गया था मुझे अप्रोक्स दिया था 5,000 to 6,000 का मतलब स्टिकरिंग लेके, बट यहाँ पर 3,000 में कंप्लीट हो गया है। सो और कुछ एक्स्ट्रा? हैजर्ड तो आपका जल नहीं रहा है, वो तो काम नहीं कर रहा, और इंडिकेटर्स भी यहाँ से फट चुके हैं आई थिंक, मतलब टूट चुके हैं जो भी है, बट ठीक है। बाइक जो है बहुत ही ज़्यादा मॉडिफाई, बहुत ही ज़्यादा लोडेड है। एंड क्या क्या चेंजेस किए एक बार आप खुद से बता दीजिए कि क्या क्या चेंजेस अभी तक आपने किया है बाइक पे? चेंज लाइट है, उसके बाद ग्राफिक्स तो है ही, कलर रिसेंटली करवाए हैं, और एग्जॉस्ट चेंज है, और परफॉर्मेंस के लिए इंजन के स्पार्क प्लग दिए। अच्छा, इंजन के स्पार्क प्लग अलग से, वो मैं बताना भूल गया। और ऐसा कुछ है नहीं, इंजन में जस्ट वो स्पार्क प्लग चेंज किया, मतलब इंजन में गाइस कुछ भी, सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, यहाँ से गाड़ी भी निकल रहा है। सो इंजन में ज़्यादा कुछ चेंजेस किया नहीं है, जस्ट स्पार्क प्लग चेंज हुआ है, वो एनजी का डला है। उसका कॉस्ट कितना आता है? 600 तक वो वाला आ जाता है, एंड नॉर्मल में 100 में ही आ जाता है, लेकिन वो सब ओरिजिनल नहीं। अच्छा, और ये ओरिजिनल का 600 पैड 580 ऐसा पड़ेगा। ओके, सो गाइस सम्राट दा ने भी बता दिया कि कितना खर्चा आया है, एंड बाइक बहुत ज़्यादा मॉडिफाइड है। सो ठीक है, कमेंट करके मुझे बताइए कि वीडियो कैसा लगा, और ऐसा अगर ब्लॉग अरे मेरा भारत महान, हाँ इंडिया नंबर प्लेट भी मॉडिफाइड, वो मैंने पहले ही बता दिया। सो ऐसा वीडियो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसा वीडियो अगर देखना चाहते हैं सो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए। एंड चैनल पे अगर नया है कोई देख रहा है नया, तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, सो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसको भी एक बार दबा दीजिएगा, क्योंकि हम लोग फैमिली के तरह जुड़ जाएंगे, और मैं ऐसे बहुत सारे मज़ेदार ब्लॉग लाने वाला हूँ, मतलब लाते रहता हूँ। सो फाइनली वी आर बैक, एंड मैं अभी हूँ रोनित के घर पे। सो अगर बोलेंगे क्यों साउथ 190 से ड्रॉप आचे, क्यों मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ भाई, तो पबजी खेल, मैं वीडियो कर रहा हूँ। सो मैं अभी हूँ रोनित के घर पे। अगर बोलेंगे क्यों, क्योंकि कल हम लोग ट्रेवल करने वाले हैं यहाँ से कोलकाता, मतलब आसनसोल टू कोलकाता। तो जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं तब तक मैं कोलकाता में रहूँगा, क्योंकि कोलकाता में 14 अप्रैल को KKR वर्सेस चेन्नई का मैच है, तो वो मैच हम लोग देखने जाएंगे और उसका वीडियो आएगा। एंड जो मॉडिफाई का ये जो वीडियो है इसमें मैं एक पार्ट भाई ये मॉडिफाई का जो वीडियो है इसमें एक पार्ट मैं स्किप कर दिया, वो जो एग्जॉस्ट का मैं एक अलग पार्ट बनाऊंगा, मतलब एक अलग पार्ट आएगा, और आई थिंक वो ट्रेवल व्लॉग के बाद आएगा एग्जॉस्ट वाला, क्योंकि कल से तो डेली व्लॉग्स आएंगे कोलकाता वाला, मतलब कोलकाता में जो मैं एक्सप्लोर करूंगा या मैच देखने जाऊंगा। एंड ठीक है, अगर इतना तक देख लिया तो वीडियो को बिना लाइक करे मत जाइए, एंड अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, और बहुत ही अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब तो बनता है, तो नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, आप एक बार क्लिक करके बेल आइकन दबा दीजिए, तो हम लोग फैमिली की तरह जुड़ जाएंगे। एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम का आईडी नीचे आ रहा होगा, सो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, और क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रहता हूँ इंस्टाग्राम पे। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग पे, एंड टिल देन डू सब्सक्राइब एंड हैव अ नाइस डे एंड राइड सेफ, बाय बाय।